हेलो, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो जो 4 या 5 मिनट का ही होगा, एक अपडेट वाला वीडियो ही लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो पर मैं आप लोगों को जो मैं लास्ट टाइम मेरी गई थी, दूसरा जो वीडियो था, तो 2-3 दिन आगे का जो वीडियो था उसमें मैं मिरिक गई थी। तो उस वहाँ पे बहुत सारे सकुलेंस मिले थे, तो कुछ सकुलेंस मैंने भी खरीद के लाए हैं, तो यही अपडेट दिखाने वाली हूँ आज। तो मैं आपको जो मैंने लाई थी, जो मिरिक से मैंने खरीद के कुछ सकुलेंस और कुछ गुलदाउदी लाए थे, तो जो गुलदाउदी थे वो सब खिले हुए थे मुझे। तो दोस्तों, मिरिक में मुझे जो ये जो गुलदाउदी मिले वो सब खिल चुके थे, तो मुझे छोटे छोटे उसके सैपलिंग्स नहीं मिले क्योंकि वहाँ पे सीजन उसका हो चुका है। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे जो सकुलेंस को रिपॉटिंग किया है, हाँ जी। तो दोस्तों, ये भी कुछ हैंगिंग सकुलेंस है इधर, तो यहाँ पे मैंने झुलाए हैं। और ये है कुछ डंकी स्टेल वाला और बुरो स्टेल वाला हैंगिंग सकुलेंस है। तो और जो लोग चाहते हैं ना कि उनको सिर्फ हैंगिंग वाला चाहिए, तो ये सकुलेंस बहुत ही अच्छा चॉइस है उनके लिए, जो हैंगिंग वाला सकुलेंस। तो लेकिन ऐसे सकुलेंस के लिए ज़्यादा पानी एकदम से नहीं देना है, इसका एक नियम है, एकदम से पानी ज़्यादा नहीं देना है इसको। सुबह का 1 घंटा का जो धूप होता है ना डायरेक्ट, तो वो चाहिए। और दिन में ब्राइट चाहिए लाइट, लेकिन इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। और कभी कभी इसको इसके पॉटिंग मिक्स को आप एकदम कम्प्लीटली ड्राई भी कर देना चाहिए, तो इसका जो पॉटिंग मिक्स है ना वो वेल ड्रेन तो होना ही है, जैसे सभी प्लांट्स को होना चाहिए, इसका तो और भी वेल ड्रेन होना है। जो आप एकदम से पानी डालें तो पूरा वहाँ से होकर नीचे से जल्दी से बाहर आ जाए, तो वहाँ पे पानी ना ठहरे। अगर पानी ठहरे ज़्यादा आप देंगे पानी, तो उसमें ये जो उसके जो पॉटिंग सोइल है वो सॉगी या तो वेट रहेगा, और तो इसके जो सकुलेंस ना वो सब गल जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसमें साल में एक बार फर्टिलाइज ज़रूर करें आप इसको। और देखिए, अभी ये जो मैं बोली ना गुलदाउदी लाई, तो ये सब मैं लेकर आई थी वहाँ से, तो ये सब एकदम से खिले हुए हैं क्योंकि मुझे छोटे छोटे सैपलिंग्स नहीं मिले जो खिलने वाले, वो लेकर आना था, लेकिन सब खिल चुके थे। तो मैं क्यों लाई इसको कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, सुंदर, लेकिन ये अगले साल के लिए कटिंग्स तैयार होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास होंगे अगले साल के लिए। तो अभी भी ये बहुत ही अच्छा है देखने में, देखिए कितने अच्छे मैंने है, देखो उस वाइट कलर्स के, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है ना ये, तो मेरे पास वो जो स्नो बॉल्स वाला मैंने नहीं लाया। इस बार देखते हैं दोस्तों, जो मिरिक का गुलदाउदी और जो सकुलेंस लाए हैं वो इधर कैसे होता है, क्योंकि पहले तो कभी नहीं लाई मैंने वहाँ से, तो इस बार देखते हैं कैसे होता है। तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर इधर इसके लिए उसके लिए जो क्लाइमेट ना एकदम सूटेबल नहीं है शायद, तो फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, कभी कभी अच्छा भी हो ही जाता है। तो देखते हैं, जैसे ये सकुलेंस को इधर ग्रो करना जैसा, गैम्बलिंग करना जैसा ही है। बस इतना ही था मेरा जो सकुलेंस, ये जो जितना मैंने दिखाया अभी आपको वही मैं वहाँ से लेकर आई थी, और भी है बहुत सारे लेकिन वो इधर का ही है, मेरा ही है, जो मैं मिरिक से लाई वही दिखा रही हूँ।
तो दोस्तों बस इतना ही था मेरा आज का अपडेट, और ये बहुत ही छोटा हुआ आज का वीडियो, तो माफ़ी चाहती हूँ, बस इतना ही है। तो बाय दोस्तों, अभी मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ और बाहर देखिए बहुत सारा धूप है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।